Hello friends, I am Chinchal and today we discuss line and staff organization. Line and staff organization, सबसे पहले मैंने अपने previous video में pure line organization and departmental line organization discuss की थी. Pure line organization जो है आज के time में use नहीं की जाती, departmental line organization फिर भी कुछ हद तक कुछ small organization उसको use करती हैं. बट लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ करती है. इसका मतलब क्या है? अंडर दिस, अंडर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ लाइन इज सिमिलर टू इट्स फंक्शन. मतलब कि लाइन जो है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है वो तो सेम होगा, बट वहाँ पर क्या आता है, बट सम स्टाफ और एक्सपर्ट आर अपॉइंटेड. कुछ एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में. स्टाफ और स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ मतलब कि लाइन मैनेजर और स्टाफ मतलब कुछ एक्सपर्ट्स और मिलकर डिसीजन लेते हैं. वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं. दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है? थिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिव दोनों पार्ट बन जाते हैं, एक साथ काम करते हैं. पहले सोचते हैं, चाहे वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो, सॉरी, चाहे वो लाइन हो या स्टाफ हो, मतलब लाइन मैनेजर हो या फिर स्टाफ यानी एक्सपर्ट्स हो, दोनों मिलते हैं, एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं, फिर किसी डिसीजन पे निकलते हैं. तो इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है, सॉरी, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन क्विक डिसीजन नहीं ले सकते इसमें, बट जो डिसीज़न लेंगे वो इफ़ेक्टिव होगा, अच्छा होगा, साउंड डिसीज़न होगा, बेस्ट होगा. नाउ एक छोटे से डायग्राम या फिर एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आखिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करते हैं. देखो, शेयर होल्डर सबसे पहले आ गया, हमारा शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये थ्री हमारे स्टेप्स हो गए. जो ये डार्क वाली लाइन से ये शो करती है लाइन को, और जो ये लाइट वाली है ये शो किसको करती है, ये शो करती है हमारे स्टाफ को, स्टाफ यानी एक्सपर्ट्स. यहाँ पर टू एक्सपर्ट्स हम यूज़ कर ले. जनरल मैनेजर को एडवाइस देने के लिए दो एक्सपर्ट्स हैं, पहला है कौन सा, रिसर्च ऑफिसर, दूसरा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. ये क्या अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, एक जनरल मैनेजर को सजेस्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, न्यू ये आ रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करें. तो ये क्या है, जनरल मैनेजर को एडवाइस देते हैं. अब जनरल मैनेजर के अंदर दो, मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर. मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कौन से दो, यहाँ पे मैंने दो का एग्जांपल लिया, आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं. मतलब प्रोडक्शन मैनेजर को एडवाइस, मतलब एक्सपर्ट कौन है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एंड प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर. ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को एडवाइस देते हैं. फिर प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर इम्प्लॉइज आ जाते हैं, मतलब ये जो है फुल लाइन जो है ये हमारा आ जाता है एक लाइन, ये हमारी लाइन बन गई, और जो डॉटेड है वो हमारे एक्सपर्ट्स है यानी स्टाफ है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो अपने अपने एडवाइस देते हैं. जैसे मार्केटिंग मैनेजर में हमारा एक्सपर्ट कौन हो गया, सेल्स ऑफिसर. सेल्स ऑफिसर एडवाइस देगा कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, ये इससे आपकी सेल ज़्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं. नाउ कम टू अवर मेरिट्स, डीमेरिट और लिटिल बिट मेरिट्स. सबसे पहले हम मेरिट डिस्कस करते हैं, साउंड डिसीजन, क्योंकि एक इफेक्टिव पर्सन उसके साथ जुड़ा हुआ है, उस एक डिसीजन के साथ, एक एक्सपर्ट उस डिसीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो साउंड डिसीजन होगा, अच्छा डिसीजन होगा. सेकंड वन, इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि अच्छा डिसीजन होगा, और ये वो डिसीजन जो होगा वो इन एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, कंपनी के रिजल्ट, बेटर रिजल्ट लेके आएगा. थर्ड वन, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता था, एक ही बॉस होता था जिसके ऊपर सारा बर्डन होता था, यहाँ पर बर्डन भी शेयर हो रहा है तो ये इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ. फोर्थ वन इज स्पेशलाइजेशन पॉसिबल, क्योंकि ये अपने अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि इनको अपने काम के बारे में सब कुछ पता होता है, कैसे करना है, क्या करना है. नाउ डीमेरिट्स,
कुछ इसके डीमेरिट्स, पहले तो कॉस्ट इंक्रीज होगी क्योंकि हम एक एक्सपर्ट को रख रहे हैं अपने काम को करने के लिए। सेकंड वन, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों के बीच लड़ाई हो सकती है, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर कुछ और कह रहा है और जो स्टाफ अथॉरिटी है, स्टाफ मैनेजर है, वो कुछ और कह रहा है, तो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। लेंथी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मैंने पहले ही आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है, लेंथी हो जाती है। नाउ ये सुटेबल कहाँ कहाँ पे है, जहाँ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पर लीगल वर्क ज़्यादा होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे आदित्य बिरलाज ग्रुप हो गया, अंबानीज ग्रुप हो गया, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। हेयर आई कंप्लीट माई लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज मेरे फेसबुक पेज के साथ ज़रूर जुड़े, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।